हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोप प्लस। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर जुहा। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, विच इज एक्सरसाइज 2.4। ओके, और इस एक्सरसाइज में हम सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज किसी भी आंसर को या सोल्यूशन में किसी भी स्टेप को स्किप मत करना, बिकॉज सोल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा आपको देखना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा समझना भी पड़ेगा, बिकॉज देखने से इतना नहीं समझ में आएगा जितना जब आप खुद सॉल्व करोगे ना। आपको देखने में तो इजी लगेगा कि हाँ ये चीज हो जा रही है, बिकॉज वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, पर जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही बार में हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन वन। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करनी है, जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ वन थिंग, ये सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो गिवन है, दीज आर नॉट जीरोस। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है विच इज अंडर रूट टू, एंड अल्फा बीटा गिवन है इनका प्रोडक्ट विच इज -3/2। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग दीज टू हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे पी एक्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने की इक्वेशन या थ्योरम कह लो, आपको पहले से जानते हो क्या होती है, x² - α + β x + α β। ठीक है, अब आपको वैल्यूज गिवन है, आप यहीं पे राइट डाउन कर लो, x² α + β अंडर रूट टू है तो ये हो जाएगा √2x, प्लस अल्फा बीटा -3/2 है तो ये हो जाएगा आपका -3/2। ओके, ना ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इसके जीरोस निकालो। सो अब इसके जीरोस निकालने के लिए आपके पास दो वे हैं। पहला वे तो ये है कि आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, बिकॉज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, 9th में आपने ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली और उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी, उस तरह से भी आपको दोनों जीरोस मिलेंगे। दूसरा तरीका है आपका इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से, जिसे आप क्या करो, जिसे आप फैक्टराइज कर लो और उससे भी आपको जीरोस मिलेंगे, फर्क नहीं होगा, बिकॉज ये चीज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में 2.3 एक्सरसाइज में वेरीफाई करवा के देख चुके हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हमने वेरीफाई करवाए जिसमें हमें पता था कि फैक्टराइज से भी और जीरो से भी दोनों से सेम आंसर आते हैं। ठीक है, सो इट्स बेटर कि हम इससे सॉल्व करें, जल्दी हो सकता है सॉल्व हो जाए। अगर आप इससे करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, व्हाट वी विल डू। अब देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होगा डिनोमिनेटर से 2 को हटाने का। सो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगी इन दैट केस, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2x² - 2√2x - 3। ओके, अब हमें इसके पेयर्स बनाने हैं, सो 2 3 6। ठीक, अब आपको 6 ऐसा बनाना है कि आपका 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे और ये आ जाए आपका 2√2। ठीक है, अब 6 बनाना है तो 2 आना चाहिए √2, बिकॉज हमें √2 ही फ्रेम करना है, राइट। यहाँ पे क्या है आपका 2, अगर 2 है तो इसका मतलब 3, दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे तभी तो आना चाहिए, तो इसका मतलब 2 आपके पास आ गया। आप 6 बनाने के लिए और क्या मल्टीप्लाई कर दे, 3, तो ये हो गए 3√2 और √2 का पेयर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे उठा के यूज करेंगे। ठीक, इसे आप एक ट्रिक समझ लो, ये ट्रिक की तरह काम करती है, जल्दी निकल आता है। सो -3√2x + √2x - 3। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, सो 2 कॉमन है यहाँ पे आपका, आप 2 कॉमन ले, नॉट 2, √2 कॉमन है सिर्फ, √2x, तो यहाँ आपका बचा √2 - 3। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी विल टेक 1, सो √2x - 3। ओके, यहाँ पे आपका हो जाएगा x। नाउ अब आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक मिला √2x + 1, दूसरा मिला √2x - 3। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम इसे जीरो के बराबर रख देंगे। क्यों रख देंगे जीरो के बराबर, क्योंकि उससे हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, और रीजन दूसरा ये है रखने का जीरो के बराबर, बिकॉज ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम एक तरीके से फैक्टर निकाल रहे हैं, और फैक्टर क्या करता है, फैक्टर किसी भी चीज को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, दैट मींस वो रिमाइंडर जीरो देता है। तो अगर ये हमारा रिमाइंडर है तो रिमाइंडर एक्चुअल में होता क्या है, जीरो। तो अब आप इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज आपको एक्स की फर्स्ट वैल्यू मिली -1/√2 एंड दूसरी वैल्यू मिली 3/√2।
सो ये हो गए आपके दोनों जीरो, ठीक है, चाहे आप इससे निकालते चाहे इससे निकालते सेम ही आएगा। सो लेट्स चेक कि आपकी सबसे पहले तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है। देखिए जीरो तो सही है, माइनस वन बाई रूट टू एंड थ्री अपॉन रूट टू। ओके, नाउ आपकी जो पॉलिनोमियल दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक। अब ये क्या है, ये एक तरीके से आपका, देखिए अगर जीरोस आपके सेम आए तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपकी पॉलिनोमियल गलत हो सकती। पॉलिनोमियल गलत नहीं है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखा किस तरीके से गया है, यहाँ पे आपका इस तरीके से लिखा गया है। लाइक देखो यहाँ पे रूट टू एक्स प्लस वन, रूट टू एक्स माइनस थ्री, यही चीज आपकी यहाँ पे है, रूट टू एक्स प्लस वन, रूट टू एक्स माइनस थ्री। नाउ ये वन बाय टू किस चीज का है, ये वन बाय टू आपका जब यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई किया था। देखिए अगर हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप यहाँ पे वन बाय टू कॉमन ले लेते हो, एक ही बात होगी कि नहीं। लेट मी शो यू कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है, ये वन बाय टू बाहर क्यों है, मान लीजिए यहाँ से आप वन बाय टू बाहर ले लेते, अगर आप यहाँ से वन बाय टू बाहर ले लेते तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ता, टू एक्स स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ता। तो हम बस उसको क्या कह देते कि टू से सब में मल्टीप्लाई कर दो, जो डिनोमिनेटर में है उसके ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो। सो कहने का मतलब वो यही है कि वन बाय टू को कॉमन ले लो। ओके, सो जब हम कॉमन लेंगे तो हमें वही इक्वेशन मिलेगी जिसको अभी हमने सॉल्व किया। सो वन बाय टू ये हो गया आपका, यहाँ से टू आपका हट जाएगा बिकॉज हमने टू कॉमन ले लिया है। ओके, सो ये आपकी, और इसी को अभी हमने सॉल्व किया तो हमने इसके क्या फैक्टर्स बनाए, एक बनाया अंडर रूट टू एक्स प्लस वन और दूसरा बनाया अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री। तो आपकी पॉलिनोमियल तो यही रही, ये हमने फैक्टर बनाया और उसके बाद उनके जीरोस निकाले, ठीक है। सो अगर ये आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर में लिख के आते हो तो आपकी पॉलिनोमियल गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और उसके बाद आपने जीरोस निकाले तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, नो नीड टू वरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ द रिमाइंडर ऑन डिविजन। ओके, ये आपका डिविजन, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस थ्री से, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 21 आ रहा है। जनरली क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन ने ये दिया है कि ये फैक्टर है तो फैक्टर के केस में रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर कोई चीज फैक्टर नहीं है यानी कि उसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रही है तो रिमाइंडर फिर वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा। सेम यहाँ पे यही केस है कि x माइनस थ्री आपका इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है लेकिन वो क्या दे रहा है, रिमाइंडर 21 देना है। तो जैसे हम लास्ट में यहाँ पे हर जगह क्यों जीरो के बराबर रखते हैं, बिकॉज हमें पता है ये फैक्टर है और ये रिमाइंडर जीरो देगा, दैट इज द रीजन हम इसे जीरो के बराबर रखते हैं, नहीं तो अपने आप तो हम किसी चीज को जीरो के बराबर नहीं रख देंगे। यही रीजन होगा यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये फैक्टर नहीं है तो इसका रिमाइंडर जीरो ना होके क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब x माइनस थ्री दिया है, राइट, x माइनस थ्री दिया है कि x माइनस थ्री से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई थ्री, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम है जिसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आपको ये दिया गया है कि ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, कि थ्री से डिवाइड हो रहा है, x माइनस थ्री का मतलब ही यही है कि आप थ्री से डिवाइड कर रहे हो, बट ये पॉलिनोमियल है तो हम इसे क्या लिखेंगे, x माइनस थ्री, ठीक है। तो ये एक तरीके का फैक्टर है लेकिन ये फैक्टर आपका क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन रिमाइंडर 21 दे रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू इन दैट केस क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, ठीक है। सो px हमारा पॉलिनोमियल है विच इज वॉट, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना। अब हम जब px रखेंगे यानी कि x की वैल्यू 3 रखेंगे, इन दैट केस हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 21। सो जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज x की जगह 3 रखेंगे तो उसको हम किसके बराबर इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर नहीं, 21 के बराबर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का क्यूब प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 21। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपका 18, देन 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 21। यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो, 27 में 18 ऐड करेंगे हमें मिलेगा 45, 45 में 3 ऐड किया आपको मिलेगा 48। ओके, 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 48, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा माइनस 27। एट लास्ट यू विल हैव द वैल्यू ऑफ k एज माइनस 9।
क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले यही पूछा था कि वैल्यू ऑफ के निकालिए और इसका क्वेश्चन भी निकालिए। तो अब आपको अगर क्वेश्चन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, के की वैल्यू पता है, आप इसको डिवाइड कर लो। जो जो हमारा डिविजन करने का तरीका है पॉलिनोमियल का, हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, या आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते। देखिए दो तरीके हैं, दूसरा तरीका आप ये यूज कर सकते हो कि आपको अगर डिविडेंड पता है तो हम अपनी एल्गोरिथम लगा सकते हैं यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, यू नो द रिमाइंडर, यू नो द डिवाइजर, यू नो द डिविडेंड, सो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसी से लगा लेते हैं। अब सबसे पहले आप डिविडेंड देखो क्या लिखा हुआ है। सो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई है आपकी, तो आपको रखनी पड़ेगी। सो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थ्री, दिस इज द डिविडेंड। व्हाट वाज द डिवाइजर, द डिवाइजर इज एक्स माइनस थ्री। ओके, क्वेश्चन की जगह पे हम क्यू ही लिख देते हैं, प्लस आपका क्या हो जाएगा 21। ओके, अब क्या करें इसको, 21 को आप इस साइड लेके चले आओ, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स। जब आप 21 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक तरीके से, तो हमें क्या मिला, माइनस 18 मिला। उसके बाद आपका यहाँ पे क्यू बचा, क्यों क्यू बचा, क्योंकि हम एक्स माइनस थ्री को क्या ले आए, यहाँ पे ले आए। नाउ वट यू हैव यहाँ, तो या तो आप पेयर बना लो अगर बन सकते हो, अदरवाइज आप डिवाइड कर लो। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम पेयर बनाएंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस टू। देन हमें माइनस नाइन कॉमन में मिल रहा है, ब्रैकेट में बचा आपके पास एक्स प्लस टू। नीचे आपका क्या है, एक्स माइनस थ्री। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो आप देख रहे हो, ये हम यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री मिलेगा, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस टू, नीचे डिविजन में हमारा एक्स माइनस थ्री है, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्वेश्चन क्या मिला, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, लेकिन किस फॉर्म में, इसी को आप अगर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है, के की वैल्यू माइनस नाइन है। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपका एक और क्वेश्चन है। लाइक सपोज तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे गए, दैट इज वाई मैंने बोला था कि बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है। अब लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आपने के की वैल्यू निकाल ली है ना, तो इनके जीरोज निकालो। ठीक है, लेकिन जीरोज निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसी इक्वेशन मैंने बताया था, फैक्टराइज कर लो और उसको जीरो के बराबर रख दो तो आ जाएगा। देखो इस इक्वेशन को फैक्टराइज तो हमने यहाँ तक किया ही है ना, इस स्टेप बस यहाँ पे अगर एक्स माइनस थ्री हम डिवाइड नहीं करते तो ये हमारा फैक्टराइज होकर ही तो आया था। ठीक है, अगर हम इन तीनों को जीरो के बराबर रखते हैं तो आपकी तीन क्या वैल्यूज आएंगी, अगर आप इन तीनों को जीरो के बराबर रख दोगे तो आपकी वैल्यूज क्या आएंगी, आपकी एक वैल्यू आएगी जीरो एक्स की माइनस थ्री, माइनस थ्री को रखोगे तो वैल्यू आएगी थ्री, और माइनस टू को रखोगे तो वैल्यू आएगी माइनस टू। सो यहाँ पे फैक्टर क्या करना, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कर दिया बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस। आप क्या करोगे, इस पोर्शन को करने के बाद दोबारा से इसके फैक्टर शो करना और उसको जीरो के बराबर इक्वेट करना। ठीक है, तो आएगा तो यही ना, फैक्टर्स तो चेंज नहीं होने वाले, फैक्टर आपके यही आएंगे, इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और आपके ये तीन जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके यही तीन जीरोस है, माइनस टू माइनस थ्री एंड थ्री। सो ये थे आपके दोनों सैंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.4 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर एज गिवन। मतलब सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, आपको फाइंड आउट करना है इनके जीरोस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने जीरो से डायरेक्ट जीरो नहीं निकाले थे, हमने जीरो से पहले पॉलिनोमियल फॉर्म करी और उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हमने जीरोस निकाले, तो मैं उसी मेथड को यूज कर रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरोस के फॉर्म में वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो जो गिवन है, सम आपको दिया है, रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, इसका मतलब सम होगा पहले वाला और प्रोडक्ट होगा दूसरे वाला, चेंज मत करना। सो सम हो जाएगा आपका माइनस एट बाई थ्री एक्स और प्रोडक्ट हो जाएगा आपका फोर बाई थ्री। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 4/3, ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल। आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 8x प्लस 4, ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल। बट जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हम इस 1/3 का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपने पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे पॉलिनोमियल के जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पे जब हमें जीरो निकालने होंगे इसको, तो हम इस 1/3 को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमें जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज करें। सो लेट्स फैक्टराइज इट, क्या हो जाएगा आपका 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये आपकी है पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करते 4 3 12, नाउ 12 का हमें पेयर बनाना है तो 4 3 तो नहीं हो सकता, दूसरा पेयर आप बना सकते हो 6 और 2 का। ओके, सो 3x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 4, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x, 3x प्लस 2 बचा, दूसरे वाले ब्रैकेट में आप 2 कॉमन ले लो, 3x प्लस 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो फैक्टर मिलते हैं, एक आपको मिलता है 3x प्लस 2, दूसरा आपको मिलता है x प्लस 2, दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3 एंड दूसरी वैल्यू आएगी -2, तो आ गए आपके दो जीरोस, एक है -2 एंड दूसरा है -2/3। ठीक है, अभी यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पॉलिनोमियल पूछ लेता तो उसने आंसर में इसे एज अ पॉलिनोमियल दिया होता। ओके, सो दोनों तरीके। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसी में। सो नेक्स्ट भी आपका सेम है, सो आई वुड सजेस्ट कि इसे आप करो, वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अभी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वीडियो को ऑन करना तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें आपके आंसर दिए होंगे। चलिए, सो आपके इस क्वेश्चन के आंसर है, यानी कि आपके अल्फा की वैल्यू है 5/2 और बीटा की वैल्यू है आपकी 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें अंडर रूट है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए, जब इसमें अंडर रूट गिवन है तो लेट्स आपकी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम है आपका -2√3x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है आपका -9। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x, फिर आपको क्या मिला -9। अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज कर ले हम। फैक्टराइज करेंगे तो पहले तो प्रोडक्ट चाहिए, सो 9 9 को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, यहाँ √3 आ रहा है तो √3 √3 ऐसे पेयर बनेंगे, 3 मिल गया तो आपके पास बचा 3, यानी कि इन दो का पेयर आपको मिल गया। राइट डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस √3x माइनस 9, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन है आपका सिर्फ एक्स, एक्स प्लस 3√3 और यहाँ पे आपका कॉमन है -√3, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा एक्स प्लस 3√3। दो फैक्टर्स मिले आपको क्या, एक्स -√3 और दूसरा मिला आपको एक्स प्लस 3√3, दोनों को जीरो के बराबर हम इक्वेट कर देंगे तो एक्स की एक वैल्यू आ गई √3 एंड दूसरी वैल्यू आ गई -3√3। सो आपके दोनों जीरोस क्या है, एक है √3 और दूसरा है -3√3। लेट्स चेक इट, सो द आंसर इज सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, नो नीड टू वरी, फ्रैक्शन हम सॉल्व करवा चुके हैं ऑलरेडी, लेट्स सी हाउ कैसे करेंगे इसको। सो ये है आपका सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, उसके बाद आपका सम आता है तो सम की जगह आप लिखते हैं 2√5x, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आता है तो प्लस इग्नोर कर देते हैं या चलिए लगा देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3/2√5x और ये हो जाएगा -1/2। अब इसे ऐसे तो फैक्टराइज कर नहीं सकते तो हम क्या करें, 2√5 से पूरी इक्वेशन को एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2√5x², यहाँ हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ हो जाएगा √5। नाउ अब आप इसको फैक्टर बनाओ, देखो 2√5 को 5 से गंडो हुए तो हो जाएगा आपका 10, 10 को ब्रेक करना है तो 10 को ब्रेक करने पे 7 कब आएगा, जब हम 5 2 को मल्टीप्लाई करें और 5 2 को माइनस करें। सो वही चीज है, 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x और ये है आपका -5 या प्लस, हाँ -5।
अब इसमें आप कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लोगे तो कॉमन यहाँ क्या मिल रहा है, सिर्फ अंडर रूट 5x कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस अंडर रूट 5, ओके, यहाँ पे सिर्फ माइनस 1 कॉमन है, तो विद इन ब्रैकेट आपका बचा 2x प्लस अंडर रूट 5, ओके। अब यहाँ पे आपको दो फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं, अंडर रूट 5x माइनस 1, और दूसरा मिल रहा है 2x प्लस अंडर रूट 5। 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी x की, एक मिला 1 अपॉन अंडर रूट 5 एंड दूसरा मिल जाता है माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने लिया था 2.3 में, उसमें मैंने कहा था कि एक रूल है कि आप नीचे स्क्वायर रूट नहीं ला सकते, अगर यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई। सो इन दैट केस आपका दोनों क्या जीरोस हो जाएंगे, अंडर रूट 5 बाई 5 एंड दूसरा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। सो आप देखो आंसर्स आपके मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर ऑफ द फॉर्म ए ए प्लस बी ए प्लस टू बी फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोज, मतलब आप ए और बी की वैल्यू तो निकालो ही निकालो, साथ में इनके अलग अलग जो जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा उनको भी निकालो। फिलहाल अभी हमें क्या दिया है कि इनके जो जीरोज है ना वो इस फॉर्म में है, यानी कि अगर हम मान ले अल्फा ए है, बीटा आपका ए प्लस बी है और गामा आपका दिया है ए प्लस टू बी, ठीक है। सो चलिए ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी जनरल पॉलिनोमियल से जिससे हमें ए बी सी और डी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की, एक्स की और डी की कॉन्स्टेंट टर्म की। सो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, हमें बी क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ये ए नहीं है, ठीक है, ये आपके जनरल इक्वेशन को कंपेयर जहाँ पे हम करते हैं, जहाँ पे भी हमें फॉर्मूले में लिखना होगा ये वहां के लिए हम लिख रहे हैं। सो सी आपका क्या है, 3 है और डी है 10, ओके। नाउ अब हम अपने जो फॉर्मूलाज हमें पता हैं सम के, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उनको यूज करेंगे। सो फर्स्ट आपका होता है सम ऑफ द जीरोस व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। जब माइनस बी, तो अब जब यहाँ पे माइनस बी और ए की वैल्यू रखनी होगी तो वो यहाँ से रखनी होगी। अल्फा बीटा गामा आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू बी, ओके, और इधर आपको माइनस बी और ए की वैल्यू पता है विच इज व्हाट, 6/1, जो 6 ही होगा, इसको -6 कर लेते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या हुआ, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -6, तो a प्लस बी आपका क्या हो गया, -2। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक आपका ले लिया दूसरा वाला जिसमें कंबाइंड प्रोडक्ट और सम होता है। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ओके। अब इसमें रखते हैं हम वैल्यूज, जब हम वैल्यूज रखेंगे हमें क्या मिला, ए ए प्लस बी, ओके, उसके बाद क्या मिला, बी यानी कि ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करोगे आप ए प्लस टू बी से, देन हमें क्या मिला, प्लस ए प्लस टू बी, मल्टीप्लाई किया हमने किससे, ए से, बिकॉज अल्फा इज ए, उसके बाद आपका सी बाई ए, सी बाई ए हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप देखो ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो और इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2, ओके। चलिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखे तो ये हो जाएगा माइनस टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस टू, उसके बाद ए प्लस टू बी, फिर यहाँ पे ए प्लस टू बी है तो यहाँ तो नहीं रख सकते, ठीक, जितने में रख सकते हैं हम उतने में रखते हैं। चलिए पहले वाले में रखेंगे तो आपको मिला माइनस टू ए प्लस, उसके बाद आपको मिला ए प्लस टू बी एंड साथ में क्या है, माइनस टू, बिकॉज उसकी वैल्यू हमें पता है, सो ये हो जाएगा माइनस टू, फिर साथ में आपके पास है ए प्लस टू बी और ए इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सो लेट्स सिंप्लीफाई, माइनस टू ए, यहाँ पे आप अगर करते हो तो ये आप माइनस हटा दो बिकॉज ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिला माइनस टू ए, ये हो जाएगा आपका माइनस फोर बी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू बी ए इज इक्वल्स टू 3, ओके। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस फोर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस टू बी ए इज इक्वल्स टू 3,
क्या यहाँ से बी कॉमन ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ सॉल्व करने, लाइक बी को हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल में नहीं हो सकती। अगर एक ही इक्वेशन है तो हम इसे दो वेरिएबल में नहीं रख सकते, हमें उसे एक में करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम यहाँ से बी को हटा दें। बी को हटाने का मतलब है यहाँ से बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं, क्या मिलेगी आपको? -2 -a। सो यूज दैट, -4a प्लस ए स्क्वायर माइनस -2 -a रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे भी रख दिया -2 -a, और बाहर a है ही आपका। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -4a प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका +8 प्लस 4a, ओके, ये हो जाएगा आपका -4, और साथ में हो जाएगा -2a, -2a स्क्वायर, यहाँ पे a हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपका देखो -4a से ये a कट गया, ओके, एनीथिंग एल्स दैट कैन, नो, आपका बचा क्या, -a स्क्वायर बचा, प्लस अगर आप 3 इधर ले आते हो तो आपका बचा +5 एंड -4a इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बची हुई है। ठीक है, इसे अभी हमें सॉल्व करना बाकी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ए स्क्वायर के साथ जो निगेटिव है उसे हटा देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 4a -5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है, तो 5 और 4 कैसे आ सकता है, 5 वन ही आ सकता है, तो इसको चलो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइड में, ओके, सो ए स्क्वायर प्लस 4a -5 इज इक्वल्स टू 0, पेयर हमने बना लिया, ए स्क्वायर प्लस 5a -a -5 इक्वल्स टू 0, a कॉमन ले लेते हैं, बचा a प्लस 5, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, बचा a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स मिले, a -1 मिला और दूसरा आपको मिला a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की दो वैल्यू मिलती हैं, a एंड -5। अब सोचो जब a की दो वैल्यू मिली है तो b की भी दो वैल्यू मिलेंगे, फिर वो कैसे निकालेंगे हम, वो इक्वेशन फर्स्ट में रख के निकालते हैं। तो चलिए यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। a की वैल्यू है आपके पास क्या थी, a की वैल्यू 1 एंड -5, ओके, a की वैल्यू है 1 एंड -5। ठीक है, अब हम b की वैल्यू यहीं से निकालेंगे, जब a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, हमें दिया क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू -2। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज -3। ओके, नाउ हेयर जब हम यहाँ पे रखें a प्लस बी इज इक्वल टू -2, ए आप रखोगे -5, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, सो जब a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू -3, ये पेयर हुआ, और जब a की वैल्यू -5 होगी तो b की वैल्यू होगी 3। अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं a और b की वैल्यू का, तो a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 3, फिर जब a 5 है तो b -3 है। तो अभी तो हमने सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछी है, क्या, जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हमें कोई किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ आपके जीरोस गिवन है, a और b पता चल गया ना, यहाँ पे रखो अल्फा, जब a के बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 रखोगे तो -1, और दूसरी आपकी क्या थी, 5 थी आई थिंक, राइट, हाँ -1 और दूसरी आपकी 5 थी। तो यहाँ पे आप -1 रखोगे, 5 रखोगे तो 5। बीटा कैसे निकालोगे, a प्लस बी, अब देखो जब a की वैल्यू -1 ली है तो b उस केस में क्या था आपका, -3 था, तो देन बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -4 आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे -1 और यहाँ पे आपका -6, तो -1 -6 -7, तो इस तरीके से आपके अल्फा बीटा गामा भी निकल आएंगे। ठीक है, आपको फैक्टराइज दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो बस वैल्यूज पुट कर लेना, आपके जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आ गए, आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो है ना √2, ये जीरो है आपका क्यूबिक। अब √2 इज जीरो, दैट मीन्स कि एक्स पे जब हम √2 रखेंगे ना, तो ये पूरी इक्वेशन को आंसर देगी, जीरो आंसर देगी। सो अगर √2 is a zero of this polynomial, zero of this तो नहीं लिख सकते, so what we will write down, given polynomial, instead of writing this complete polynomial, we can write given polynomial. So इसका मतलब क्या हो गया, x minus √2 is a factor, according to the factor theorem. अगर √2 आपका given polynomial का zero है, तो x minus 2, √2 क्या हो जाएगा, is a factor of given polynomial. ठीक है,
अब आपको फैक्टर पता चल गया, आपको पॉलिनोमियल पता चल गया, क्वेश्चन कह रहा है इसके दो दूसरे जीरोस निकालो। सो दो दूसरे जीरोस निकालने के लिए एक तो पता चल गया ना, एक तो है ही अंडर रूट टू, दो निकालने यानी बीटा गामा निकालना है। तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दे। अगर ये फैक्टर है, ऑब्वियसली क्वेश्चन ने बोला कि जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर ये फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। सो लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हो। चलिए इसके आगे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अंडर रूट टू, और इसके लिए हम अपना नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। बट इस मेथड में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है साइन की और पावर की, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 6x³ प्लस अंडर रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक? अब देखो 6x³ फर्स्ट टर्म आपको हमेशा हटाना है, तो x यहाँ पे है, 6x³ यहाँ पे है। कैसे बना सकते हैं 6x³? 6x² से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखा हमने 6x², जब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो मल्टीप्लाई पूरे से होगा 6x³, और जब अंडर रूट 2 से करोगे तो 6√2x², ठीक है? अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, ओके? जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करना होता है, आपको पता ही, डिवीजन में नेगेटिव करते हैं मतलब माइनस करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट टर्म कट गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 6√2, वो भी प्लस का, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा √2, ठीक है? तो इसको ब्रैकेट में लिखो, 6√2 प्लस √2x² ऐसे, ओके? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं, इसी में आगे क्या करना है। अब देखो आपने एक सॉल्व कर लिया, तब आपको दूसरा पेयर उतारना पड़ेगा विच इज -10x। अब आपको ये वाला पूरा पेयर गायब करना है। जब आपको ये वाला पूरा पेयर गायब करना होगा तो आप क्या करोगे, आपको माइनस, देखो 6√2 में √2 हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7√2, मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए, 7√2 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा, 7√2x². अब हमें ये पूरा टर्म गायब करना है, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 7√2x से। सो मल्टीप्लाई विद 7√2x, ठीक है? जब करोगे तो पूरे से होगा 7√2x² माइनस 7√2, और √2 मल्टीप्लाई होके आपको क्या देंगे, -14x। सो -14x अगेन यू विल सब्ट्रैक्ट, सो ये आपका पूरा टर्म कट गया, माइनस माइनस प्लस 14, प्लस 14 माइनस 10, आपको क्या मिला, 4x। यहाँ से आपका थर्ड टर्म उतर के आएगा विच इज 4√2, ठीक है? अब आप किससे कर लो, अब आप प्लस 4 से कर लो, आपको मिलेगा 4x माइनस 4√2, और ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो आपको दूसरा फैक्टर कौन मिला, ये जो क्वेश्चन मिला है, दिस इज ओनली द, यही आपका दूसरा फैक्टर हुआ। तो चलिए अगर नहीं समझ में आया कि दूसरा फैक्टर मैंने क्यों कहा, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आपने पढ़ रखा है ना, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो नाउ यू नो दैट a इज डिविडेंड, यानी कि वो जो पॉलिनोमियल जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर आपका जीरो है ना। बी क्या है आपका, बी आपका डिवाइजर है विच वॉज एक्स माइनस अंडर रूट टू। और क्वेश्चन क्वेश्चन जो अभी आपका आया यहाँ पे, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। सो राइट डाउन 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, ठीक है? अब यहाँ पे आपका डिविडेंड है, वो बहुत लंबी इक्वेशन है, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, हम इसी को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि फैक्टराइज और हो सकता है, 6 4s are 24, ठीक है? 24 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो उन्हें माइनस प्लस करने पे 7√2 आए, या आपका और मल्टीप्लाई करने पे 24। तो ऐसा क्या हो सकता है, देखो अगर हम वही ट्रिक वाले मेथड पे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा √2, दूसरा भी √2 होना चाहिए बिकॉज यहाँ √2 है। अब 2 मिल गया तो दूसरा क्या होगा, 12√2। बट ये केस यहाँ वर्क नहीं करेगा, जनरली जितने क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया उसमें तो वर्क किया, यहाँ नहीं करे। तो यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे ला सकते हैं 24, ठीक है? तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, लाइक आप इसका 24 को, इसके फैक्टर्स निकालो, 12, 6, 3 and 3, ठीक है? अब इसमें हम ढूंढेंगे कैसे बना सकते हैं। देखो एक तो 2 को आप डिवाइड कर लो किसमें, √2 और √2 में, बिकॉज हमें यहाँ चाहिए √2। अब उसके बाद देखो 2 2 4√2, दूसरा आपका 3√2, क्या ये 12 7√2 बनेगा? यस, 4 + 3 7 बनता है, और 4√2 3√2 आपका 12 2 24, यस बन गया, इसी से बन गया हमारा, पहले बार में ही बन गया आपका। दो पेयर्स बने, क्या बने, 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4, ठीक है?
तो जब ट्रिक काम नहीं करेगी तो तब हमें अपने वही बेसिक मेथड की हम उसको फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर्स निकालें और उसके बाद उसमें से जोड़े, पेयर ढूंढें, ठीक है, वही मेथड यूज करेंगे। चलिए, एक्स माइनस अंडर रूट टू, अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आपको मिल सकता है टू कॉमन, ठीक है, टू और एक्स, तो टू और एक्स कॉमन ले लिया तो बचा थ्री एक्स प्लस यहाँ पे आपका बचा टू अंडर रूट टू, दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं, सो यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू कॉमन लिया तो बचा थ्री एक्स प्लस अंडर रूट टू अंडर रूट टू, तभी वो फोर बनेगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपको देखो कितने फैक्टर्स मिल गए, एक तो एक्स माइनस अंडर रूट टू ही मिल गया, दूसरा आपको मिला थ्री एक्स प्लस टू अंडर रूट टू, तीसरा आपको मिला टू एक्स प्लस अंडर रूट टू। अब ये क्या है, ये तीनों फैक्टर्स ही तो हैं जो गिवन आपको पॉलिनोमियल थी, और वो भी क्या, ये क्या कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो हम इनको क्या करते हैं, जीरो के बराबर रख दें, यहाँ से हमें एक्स की तीन वैल्यूज मिलेंगी, एक अंडर रूट टू जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ था, दूसरा आपको मिलेगा माइनस टू अंडर रूट टू बाई थ्री, तीसरा आपको मिल जाएगा माइनस अंडर रूट टू बाई टू, ठीक है। सो क्वेश्चन ने बचे हुए दो पूछे थे और बचे हुए दो आपके मैच करते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन को करना, स्पेशली ये जो पोर्शन है ना आपका डिवाइड का, अगर ये आपने गलत किया तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। सो आपको सबसे ज्यादा इस 2.4 में जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो सिर्फ इसकी करनी है कि ये डिवीजन आपका एक बारी में सही आ जाए, बिकॉज ये तो छोटा डिवीजन था, अभी आगे के क्वेश्चन में इससे बड़े बड़े डिवीजन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझसे भी पहली बार में ही लग जाता है, कभी कभी होता है कि हमसे भी नहीं लगता क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अगर एग्जाम में इतना टफ लेवल नहीं आता है, तो अगर कोई इजी लेवल का क्वेश्चन आता है तो उस पर हमको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, राइट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर। फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज द फैक्टर ऑफ दिस, क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि इसका फैक्टर, इसका मतलब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर जीरो आएगा। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोज, उसके बाद आपको सारे जीरोज निकालने, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, सबसे पहले तो हमें के निकालने की जरूरत है, और के लिए कुछ ज्यादा दिया नहीं गया है, सिर्फ इतना दिया गया है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट वाला डिविजन किया, टू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। अब के आ गया है तो चीजें माइनस नहीं होंगी, बिकॉज एक अलग सा वेरिएबल आ गया, तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, हमें फर्स्ट टर्म क्या लाना है, 2x4 लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें जो 2x4 आ जाए, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसको 2x2 से कर दोगे तो आ जाएगा, बट मल्टीप्लाई करने में ध्यान क्या देना है, मल्टीप्लाई पूरे से होगा, सो 2x की पावर 4, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और दोबारा ये आपका आ गया 2x स्क्वायर थी, ओके। अब हम इसे क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सब्ट्रैक्ट करने पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर प्लस थ्री कितना बचा आपका, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू, और ये आपका देखो के है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका माइनस फोर्टीन है, तो आप क्या करो, आप एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, तो माइनस, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर इधर सॉल्व कर लेते हैं पहले, माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर है आपके पास और माइनस टू एक्स स्क्वायर के है, अगर हम एक्स स्क्वायर और माइनस को बाहर ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, माइनस, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं, टू भी कॉमन मिल रहा है तो वो भी ले लेते हैं, तो आपके पास बच रहा है यहाँ पे सेवन और यहाँ पे बच रहा है प्लस के, राइट। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लें, ये हो गया आपका माइनस टू एक्स स्क्वायर सेवन प्लस के, ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया, अब आपको इसके बाद नेक्स्ट टर्म भी उतारना है विच इज फाइव एक्स, ठीक। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म गायब भी करना है, तो फर्स्ट टर्म देखिए है क्या जिसे गायब करना है, दिस इज माइनस थ्री एक्स क्यूब, किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ लिखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और अब इससे मल्टीप्लाई करिए, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसे ध्यान से देखते रहिएगा। सो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर फोर हो जाएगी, सो माइनस थ्री एक्स क्यूब मिलेगा आपको, ओके। और जब इससे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। दोबारा इससे करेंगे के से तो आपको मिलेगा माइनस थ्री एक्स की, ठीक है। चलिए अब हम आज को फिर से सॉल्व करते हैं, निगेटिव साइंस लग जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, अलग सॉल्व करिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर सेवन प्लस के बचा।
अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 2x² अगेन कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा 3 -7 -k। ओके इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x² क्या बचा हमारे पास, -4 -k बचा। चलिए इसको यहाँ पे लिखिए, अब क्या बचा है आपके पास, 2x² -4 -k बचा है आपके पास। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या हो गया यहाँ पे, इसको रब कर ले पहले। ओके यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, प्लस का 3xk और प्लस 5x, यहाँ से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो बचा 3k प्लस 5। सो राइट डाउन हियर x 3k प्लस 5। अब आपके पास एक और लास्ट टर्म बचा है विच इज 6, राइट डाउन दैट। अब आपको फिर से एक टर्म गायब करना होगा विच इज 2x². अब देखो x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं ला सकते, हम सिर्फ क्या लेके आएंगे, 2 और वो भी ब्रैकेट में -4 -k। कह सकते हो आप इसको 2 -4, अगर -k को आप सॉल्व सिंप्लीफाई कर लो तो कह सकते हो -8 और -2k से मल्टीप्लाई करना है। सो राइट डाउन हियर, मैं ऊपर लिख देती हूँ क्या करना है आपको, 8 + 2k से मल्टीप्लाई। जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको पहला टर्म तो यही मिलेगा 2x² -4 -k। ठीक है, दूसरे टर्म की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आपका माइनस लग जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है, फिर आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 + 2k और फिर x हो जाएगा, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -k 8 + 2k। ओके लेट्स रिजॉल्व दिस। अब ये लास्ट स्टेप है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने, इसके बाद हमारे पास कोई नहीं बचा है जिसको हम एलिमिनेट कर सके वेरिएबल, सो इसे ही बहुत ध्यान से करना होगा, ये टर्म तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग गया, अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 2 8 + 2k x + 3k + 5x। ठीक है, ये बचा, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा आपका, 16 + 4k, ठीक है, प्लस 3k प्लस 5 और ये ब्रैकेट के बाहर x हो गया, इसको सॉल्व कर ले तो हमें मिला 21 और उसके बाद आपका ये हो गया 21 के बाद 7k। ठीक है, ये बच रहा है, सो राइट डाउन हियर 21 + 7k और बाहर आपका x। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं अलग से, अगर आप वही करने की कोशिश करोगे तो पक्का गलत हो जाएगा, मैं खुद 2-3 बार ऐसे कर चुकी हूँ, मैं सोचती हूँ यहीं पे कर लूँ तो वो गलती हो जाता है, सो अलग ही सॉल्व करिए सबसे बेस्ट तरीका है। के हो गया आपका, उसके बाद आपका ब्रैकेट में है 2k, फिर यहाँ पे है 6। ठीक है, इसको हम एक कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, 8k + 2k² + 6। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, इसको जनरल जैसे नॉर्मल होता है हम लोग पहले k स्क्वायर लिखते हैं फिर ये, इस तरह से 8k + 6। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो कोई टर्म ही नहीं बचा ना, एक्स अब 1 भी ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, यही चीज हमें बता रही कि इसके आगे नहीं किया जा सकता। नाउ ये क्या है, ये है हमारा रिमाइंडर, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, क्वेश्चन ने हमें दिया कि ये ना फैक्टर है, अगर ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, लेकिन हमें रिमाइंडर मिला, इसका मतलब हम इस रिमाइंडर को किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें। सो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे इसको क्या करना है, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सो लेट्स राइट डाउन क्या होगा, 21 + 7k x प्लस दूसरे ब्रैकेट में था 8k² एंड सॉरी 2k² प्लस 8k + 6। सो ये है आपका 2k² प्लस 8k + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने 0 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि रिमाइंडर है ये और रिमाइंडर 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे, अब इसको कंपेयर करने के लिए आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, 0.x + 0। व्हाई दिस, बिकॉज इससे आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी, आप क्या देखोगे कि एक्स एक्स ये है तो ये वाला 0 के बराबर, ये 0 के बराबर। ठीक है, सो चलिए इसको 0 के बराबर कंपेयर करके हम के की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से आपके के की वैल्यू क्या आ गई, -21 और ये फाइनली आपकी के की वैल्यू आई -3। एक के की वैल्यू यहाँ से भी आएगी, लेट्स फाइंड आउट, 2k² + 8k + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर निकाल लें, देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, सो फर्स्ट डिवाइड कर ले, 1k² + 4k + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके कोई फैक्टर बनेंगे, यस 3k + k + 3 इज इक्वल्स टू 0,
यहाँ से आप ले लो के कॉमन, के कॉमन लोगे तो के प्लस 3 मिला और यहाँ 1 हो जाएगा तो के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास दो फैक्टर्स बचे, एक हो गया के प्लस 1, दूसरा हो गया के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आई, -3 और -1। अब देखो जो दोनों में आ रही है वही हमारी मेन वैल्यू होगी, तो यहाँ भी -3 और यहाँ भी, सो दैट मीन्स जो हमारी फाइनल के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3। यू कैन सी -3 ही आपके आंसर है। अब हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या क्या क्वेश्चन में करना बचा है। सो इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि बचे हुए दो जीरोस निकालो। ठीक है, एक फैक्टर तो यहाँ से निकल आया, उसके बाद आपको दो जीरोस और दो जीरोस नहीं, ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सारे जीरो निकालने हैं आपके दोनों पॉलिनोमियल्स के। दो क्यों बोल रहा है, बिकॉज एक ये पॉलिनोमियल है दूसरा ये पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम इसका निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के का। सो लेट्स इरेज दिस और लेट्स डू इट इन अदर बोर्ड। ओके, यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, बिकॉज यहाँ पे अब आपको k की वैल्यू मिल गई। लेट मी चेक द इक्वेशन वंस। यस ओके, अब हम इसके क्या करें, जीरोस निकाले। जीरोस निकालने का बहुत बेसिक मेथड क्या, फैक्टराइज कर दो बस एक तरीके से। सो यहाँ पे हम पेयर्स बना लेते हैं, 3 का पेयर 3 और 2 में खाली 3 वन जो 3 बन सकता है ऐसा। सो प्लस 3x -x -3, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा, यहाँ -1 कॉमन ले लिया x प्लस 3 बचा, यहाँ से आपको दो फैक्टर मिले x -1 x प्लस 3, इनको हम रख देते 0 के बराबर, x की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड -3। ओके, चलिए आंसर चेक कर लीजिए कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपके इसके आंसर मैच कर रहा है 1 एंड -3। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले पॉलिनोमियल पे, उनके जीरोस निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2x4 प्लस एक्स क्यूब -14x2 प्लस 5x प्लस 6। अब कैसे निकालेंगे, देखो एक फैक्टर आपका ये है राइट, और दूसरा फैक्टर आपका ये है। सो राइट डाउन बोथ द फैक्टर। फैक्टर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैंने अभी लास्ट में आपको यहाँ पे समझाया कि मैं इसको फैक्टर क्यों बोल रही हूँ। सो दैट इज द सेम रीजन मैं उसको वहां पे भी फैक्टर बोल रही हूँ। आप इसको इसी फॉर्म में लिखोगे तो ये दोनों अगल बगल ही आएंगे। ठीक है, सो चलिए यही चीज यहाँ पे करते हैं। आपको एक फैक्टर ये मिल गया, लेट्स ऐड द पेज। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, 2x स्क्वायर -3x -2x स्क्वायर -3x और माइनस विद इन ब्रैकेट 8 प्लस 2k। ओके, लेट मी चेक अगेन, 8 प्लस 2k। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ के। कंफ्यूजन ना हो तो मैं ऊपर लिखे दे रही हूँ कि ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, आर यहाँ आपका जीरो है, ए क्या हो जाएगा, ए आपकी वो पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपको गिवन है। ठीक है, 2x समथिंग 2x पावर 4 कुछ ऐसे करके। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के की वैल्यू रख दे सबसे पहले, तो जब के की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, 2x स्क्वायर -3x, यहाँ पे रखिए k की वैल्यू -6 हो जाएगा, -6 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका -2। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर ले, देखो इसको तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके फैक्टर्स क्या आए थे, इसके फैक्टर एक आया था आपका x प्लस 1 और दूसरा आया था x -3। अब हमें इससे सिर्फ इसका बचा है, तो 2 2 4 इसका बना लेते हैं 2x स्क्वायर -4x -x -2, x प्लस 1 x -3, यहाँ पे आपको कॉमन ले लो 2x, तो ये हो गया आपका x -2, -1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया x प्लस 2। ओके, अब हाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो -1 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये हो गया आपका क्या, x माइनस टू। ओके, ब्रैकेट बंद। अब आपको चार फैक्टर्स मिल गए हैं इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। एक आपको मिला x प्लस 1, दूसरा आपको मिला x -3, तीसरा मिला x -2 और फोर्थ है आपका 2x प्लस 1। इन सबको जीरो के बराबर रखेंगे तो x की फोर वैल्यूज आएंगी 1, 3, ओके 2 एंड -1/2। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं, 1, 3, 2 एंड -1/2। सो यही आपके चार वैल्यूज हैं। ओके,
इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को करना है, बट सबसे पहला स्टेप यही था, और अगर ये आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो आगे कुछ नहीं आने वाला है। के की वैल्यू नहीं आएगी तो फैक्टर्स नहीं आएंगे, फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा और जीरोस नहीं मिलेंगे। सो व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर इज दिस। इसी क्वेश्चन को अभी अगर आप लगाओगे ना तो आई एम प्रेटी श्योर कि ये एक बार में नहीं निकलेगा आपको, आपको कम से कम दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो इस डिविजन की, इस लॉन्ग डिविजन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। Given that x minus under root 5 is a factor of the cubic polynomial, find all the zeros of the polynomial. आपको इस क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है कि ये एक फैक्टर है। अगर ये एक फैक्टर है, इसका मतलब जब ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या देना चाहिए, इसको जीरो देना चाहिए। तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि बचे हुए जीरो कैसे निकालने। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया। ओके, सो फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं। मेन चीज क्या है कि ये डिवाइड आपका सही से होना चाहिए, अगर ये सही नहीं हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में ये डिवीजन ही है, जिसे हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स क्यूब हटाना है, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है एक्स क्यूब, किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे से करना होगा। ठीक है, एक्स क्यूब ये हो जाएगा अंडर रूट 5x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, अंडर रूट 5x स्क्वायर। ठीक है, विद इन ब्रैकेट 1 -3 अंडर रूट 5। अब नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में करके देखो, जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। आपके पास क्या है, अंडर रूट 5x स्क्वायर -3 अंडर रूट 5x स्क्वायर। मैंने बस यही किया कि 1 अंडर रूट 5x स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 -3। जो यहाँ पे गलत लिखा, अब अगर अंडर रूट 5x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 -3 बचता है, जिसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पूरा सॉल्व करके लिखना चाहिए 2 अंडर रूट 5x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पोर्शन इरेज कर देते हैं, वरना नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं 2 अंडर रूट 5x स्क्वायर एंड दैट टू विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब जब आपका ये सॉल्व हो गया, आपको नेक्स्ट पोर्शन उतारना पड़ेगा, विच इज 13x। अब आपको पहला ये है और यहाँ पे x है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो -2 अंडर रूट 5x से करेंगे, तो ये फर्स्ट आपका वैसे ही आएगा जैसा यहाँ है। मल्टीप्लाई करिए -2 अंडर रूट 5x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 5 होगा, 5 2 10 10x हो गया आपका। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पोर्शन पूरा एलिमिनेट हो गया, यहाँ आपका 13 में 10 माइनस गया, बचा 3x। नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस -3 अंडर रूट 5। ओके, अब क्या करें, 3 ले लें, सो +3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिला 3x -3 अंडर रूट 5। ओके, इसको हम क्या करें, इस ये आपका अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, तो माइनस करने में ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो दूसरा फैक्टर आया वो कौन आया, फैक्टर था तभी तो इसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दूसरा आपके पास क्या मिला, फैक्टर ये मिला। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, और ये चीज मैं थर्ड बार बता रही हूँ कि मैं इसे फैक्टर क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये आपका गिवन डिविडेंड है। ठीक है, तो हम इसको डी लिख लेते हैं, लाइक ये आपका डिविडेंड है। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। डिवाइजर कौन था आपका, एक्स माइनस अंडर रूट फाइव। क्वेश्चन कौन आया आपका, एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 5x + 3, और रिमाइंडर है जीरो। ठीक है, तो अब हम इसी का तो फैक्टर निकालेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार क्या बोल देती हूँ कि इसका ये दूसरा फैक्टर है आपका, आप इसको फैक्टराइज करो। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको फैक्टराइज करते हैं। सो हमें क्या मिला, एक्स माइनस अंडर रूट फाइव, दूसरा आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 5x + 3। राइट डाउन एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 5x + 3। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज। देखो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कभी, मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, तो हमें क्या मिला, हमें 3 लाना है, 3 को हमें ऐसे तोड़ना है कि अंडर रूट 5 आए। अगर हम ट्रिक वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो अंडर रूट 5 ये 3 से ज्यादा हो गया, तो अब हम 3 कहाँ से लाएंगे, ये मेथड नहीं वर्क कर सकता इसका मतलब। दूसरा, अगर आप 3 का फैक्टर भी निकालते हो तो 3 1 3, इसमें भी हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2 अंडर रूट 5 आ जाए।
जब आपके मेथड, जब आपका ये फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मेथड या कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, तो हमारे पास कौन सा मेथड बचता है? हमारे पास बचता है श्रीधराचार्य। यानी कि ये जो मेथड आपके पास, ये जो फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम और इससे निकालेंगे इसके हम फैक्टर्स। ओके, सो रख दीजिए यहाँ पे वैल्यूज। माइनस बी क्या है? 2√5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा आपको? 20 माइनस 4ac, 4 3 12 अपॉन 2a, 2a होता है, सो a यहाँ पे 1 है तो ये 2 होगा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, आपको मिला प्लस माइनस √8 अपॉन 2। और सिंप्लीफाई कर लो, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है? सो 2√5 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, ठीक है? और सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन ले लो, तो √5 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। यानी कि एट लास्ट हमें क्या मिली एक्स की वैल्यू? √5 प्लस माइनस √2, ठीक है? तो यहां से आपके दो फैक्टर्स निकल के आए। ये हम फॉर्मूला तभी रखते हैं जब हम इन तीनों को किसके बराबर, मतलब इन दोनों को हम किसके बराबर रख रहे हो? जीरो के बराबर रख रहे हो, बिकॉज इनका रिमाइंडर क्या आया था? जीरो। सो अब यहाँ से एक्स का एक आपको क्या मिला? √5। एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज और मिल गई, क्या मिल गई? √5 प्लस √2, और दूसरी मिल गई √5 माइनस √2। तो ये हो गए आपके तीन जीरोस। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये प्लस यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज। एक हो गया ये जीरो, दूसरा जीरो ये, तीसरा जीरो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको डिवाइड करना था और अपने क्वेश्चन टू और फैक्टर को क्या करना था? फैक्टराइज करके एक्स की सारी वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है? बस मेन पोर्शन क्या था आपका? ये डिवीजन। अगर ये आपने परफेक्ट किया होगा, आपका वन गो में आंसर आएगा और बिल्कुल सही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ क्यू एक्स, ठीक है? ये कोई जीरो, आपके क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की कौन सी वैल्यू, बी कहाँ है? बी ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल के अंदर है। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, इन दोनों में कौन सी ए और बी जो होंगे ना, वो जीरोस बराबर कर देंगे। मतलब ए और बी की आप ऐसी वैल्यू रखो कि जो जीरोस आए इन दोनों के वो क्या हो? सेम हो। ऑल्सो विच जीरोज ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरो। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्योंकि ये फाइव डिग्री फाइव की इक्वेशन है, तो इसको कितने जीरोज होने चाहिए? इसके फाइव जीरोज होंगे। ये डिग्री थ्री की इक्वेशन, इसके कितने जीरोज होंगे? इसके थ्री जीरोज होंगे, राइट? सो अगर थ्री जीरोज इन दोनों के मैच कर रहे हैं, तो बचे हुए जो इसके दो जीरो है ना, वो भी आप बताइए कि वो क्या होंगे। अब एक बात समझने वाली चीज है, अगर इनके जीरोज बराबर है, लाइक इनके जीरोज इक्वल है, इसका मतलब इनका जो फैक्टर होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे, ठीक, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर ये इनके जीरोज बराबर है, दैट मीन्स कि जिसकी डिग्री कम है वो इसका क्या हो सकता है? फैक्टर भी हो सकता है, तभी तो उनके जीरोज बराबर आ रहे हैं, राइट? तो हम अगर ये समझ गए कि ये इसका फैक्टर भी हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एंड इन दैट केस रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखने को मिली कि अगर कभी हमें ये बता दिया जाए कि एक डिग्री थ्री की पॉलिनोमियल है, एक डिग्री फाइव की पॉलिनोमियल है, और इन दोनों के जीरो सेम है, तो दैट मीन्स जो लेस डिग्री वाला पॉलिनोमियल है वो ग्रेटर डिग्री वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा, तभी उनके जीरो सेम है। तो अगर कोई फैक्टर है, तो देन इन दैट केस ऑन डिविजन रिमाइंडर क्या आएगा आपका? जीरो। सो इसी कॉन्सेप्ट, इसी लॉजिक को हम इस क्वेश्चन में यूज करके सारे जीरो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स के अलावा आपका एक वेरिएबल है, तो बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन होगा ना अभी डिविजन करने में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। सो एक्स फाइव माइनस एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, राइट? अब हम इसको क्या करेंगे, कितने टाइम्स ले जाए आप यहाँ पे देखो, हम ले जाएंगे एक्स की पावर टू टाइम्स। पूरे से मल्टीप्लाई करिए, एक्स की पावर फाइव, टू एक्स की पावर फोर प्लस टू, और ये हो जाएगा प्लस ए एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे ए है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ इसका कोई टर्म नहीं बन रहा है, राइट? बट हम ये नहीं ले सकते कि हम यहाँ से ये वाले एक्स स्क्वायर को माइनस कर दें, नहीं, अभी आपका ऐसे है तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका एक फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हुआ, माइनस टू और माइनस वन क्या देगा आपको? माइनस थ्री एक्स की पावर फोर देगा।
उसके बाद आपका एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो वो हम ऐसे ही उतारेंगे, और ए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो आपका ऐसे। अब ये माइनस क्यू बिकॉज आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, किससे डिवाइड करें, हमें 3x4 लाना है, तो -3x से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। चलिए करते हैं -3x की पावर 4, यहाँ पे करेंगे तो -6x3, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा -3ax। ओके अब सब्ट्रैक्ट कर दें अगेन, ये आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, ये माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, +6 में -4 किया आपको क्या मिला 2x3 मिला, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्या मिला आपको -ax2 और +3x, बिकॉज इनके कोई टर्म्स नहीं है जो ये सिंप्लीफाई हो सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है x3, तो आप इसको कितनी बार ले जा सकते हो, ओनली 2 टाइम्स। 2 टाइम्स लेके गए तो 2x3, ओह आई मिस्ड इट कि मुझे यहाँ पे सेकेंड टर्म उतारना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या उतरेगा 3x2 उतरेगा। ठीक है, जब आपका 3x2 उतरेगा तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके लेट मी इरेज दिस, मैं इसको फिर से करती हूँ यहाँ से। सी यहाँ पे हमें क्या लाना है, -3x3 x की पावर 4 लानी है, तो -3x से मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पे देखिए, जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपको एक नेक्स्ट टर्म उतारना था जो मैं भूल गई उतारना, सो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म उतारेंगे। अब आ जाते हैं, अब जब हम नेक्स्ट टर्म उतारेंगे ना तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से x² कॉमन ले लो, जब आप यहाँ से x² कॉमन ले लोगे तो विद इन ब्रैकेट आपके पास क्या बचा 3 - a। ठीक है, सो हम वही चीज करते हैं, x² हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट आपके पास बचा 3 - a। ओके नेक्स्ट आप आ जाते हो, इसको माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा 3x की पावर 4, यहाँ पे आपको मिला 6x3 और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला -3xa। ओके अब आपका ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये आपका साइन चेंज हो जाएंगे, आपको मिला 2x3 और यहाँ पे आपको क्या मिला, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो आपका +x² 3 - a और ये हो जाएगा +3xa, लेकिन यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म उतरेगा वो होगा 3x। अब देखो जब 3x उतरा तो अगेन आपके पास क्या हो गया, 3x कॉमन हो गया, तो उसको हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, क्या बचा ब्रैकेट में आपके पास 3x के बाद बचा ब्रैकेट में 1 + a। अब हमें 2x को हटाना है 2x3 को, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये हो जाएगा 2x3, ये हो जाएगा 4x2, ये हो जाएगा आपका 2a। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट, ये आपका पूरा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, साइड में करते हैं तो ये हो जाएगा 3 - a x2, x2 आप कॉमन ले लो, 3 - a - 4, ये आपको क्या देगा -a और -1, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या -1 + a x2 बचा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पोर्शन पे, सो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, नहीं यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज एक्स का टर्म नहीं है, सो 3x 1 + a और फिर आपका हो गया -2a और लास्ट में आपका क्या बचा b जो उतर जाएगा। ठीक है, सो ये आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक या ओके सो ये आपका एक कॉन्स्टेंट टर्म है -2a + b बिकॉज यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसके आगे क्या हम डिवीजन करना चाहिए, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज x3 तो आप लेके एलिमिनेट कर ही चुके हो ना, अब नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करोगे एलिमिनेट करने के लिए, x² तो नहीं आ सकता, डिवाइड तो नहीं कर सकते हम। सो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब हमने अगर इस चीज को समझ लिया कि दिस इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए था, बट यहाँ रिमाइंडर कुछ आ रहा है तो हम इसको 0 के बराबर क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो यही साइड में कर लेते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा लिखना नेक्स्ट पेज पे पॉसिबल नहीं है। सो -1 + ax² ओके +3x 1 + a, दिस इज अ रिमाइंडर और ये आप कर लो ऐसे b - 2a कॉन्स्टेंट। ठीक, अब ये सब 0 के बराबर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 के बराबर, था 0x² + 0x + 0, इससे थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए। x² के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिला -1 + a = 0, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिली -1। ठीक है, एक आपको ये मिल गया, उसके बाद दूसरा हम इक्वेट कर देंगे x के कोफिशिएंट को, तो 3 1 + ax = 0,
है, एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कोफिशियंट ले रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिली दूसरी, जिस विच इज दूसरी क्या मिलेगी, वही -1 ही आएगा, बिकॉज 3 डिवाइड हो गया तो -1 आएगा। उसके बाद थर्ड आप क्या निकाल सकते हो, थर्ड आप कॉन्स्टेंट को इक्वेट करो तो आपको मिला बी माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस माइनस टू ए इज इक्वल टू बी। अब अगर ए की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब आपको किसकी भी वैल्यू मिल गई, बी की भी वैल्यू मिल गई। सो इसका मतलब ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 2 अगर हम रखते हैं तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने फर्स्ट क्या निकाला, ए और बी की वैल्यू। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बचे हुए जीरोज निकालो, तो बचे हुए जीरोज निकालने का मतलब है कि हम इसके सारे जीरोज को फाइंड आउट करें। अब इसके सारे जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है, हम ये जानते हैं कि इसका एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, राइट। तो हम इन दोनों को प्रॉपर फैक्टराइज कर लेंगे और उससे हमारे सारे जीरोज निकल आएंगे। अब मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी कि मैं क्यों इनको फैक्टर कह रही हूँ, मैं आपको 3 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि हम इसको फैक्टर क्यों कह रहे हैं। ओके, सो हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल ली, तो इसका आंसर हम पहले चेक कर लेते हैं। सो यस, ए इज इक्वल टू -1 एंड बी इज इक्वल टू -2। लेट्स सी कहीं साइन का मिस्टेक हुआ है। यस, बी जब उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे -2 आएगा। ओके, सो बी -2 ए -1, हमने ये चेक कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जीरोस निकालते हैं। सो लेट्स राइट डाउन दीज टू फैक्टर्स एंड देन फैक्टराइज इट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो पहला फैक्टर है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x² और ए की वैल्यू अब रख सकते हैं तो -1। और दूसरा फैक्टर आपका क्या है, लेट्स सी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x+2। सो एक्स क्यूब माइनस 3x+2। सो ये है हमारे स्टूडेंट 2 फैक्टर। अब हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। सो इस पोर्शन को हम ऐसे ही रखते हैं बिकॉज ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है और निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पे इसके जीरोज नहीं पूछे। ओके, क्वेश्चन ने हमसे बस ये पूछा कि जो जीरोज इन इन दोनों में सेम नहीं है बस आप उनको निकालो। तो हमें पता है कि ये इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के और इनके पॉलिनोमियल के 3 जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे और 2 सेम नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज क्यूबिक है ना, ये पॉलिनोमियल आपकी क्यूबिक है तो इसमें 3 जीरोस होंगे। तो दैट मींस इन दोनों पॉलिनोमियल में 3 जीरोस सेम होंगे। बट वो सेम जीरो नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कौन से जीरो सेम नहीं है, तो दैट आर 2 जीरोस। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्फा बीटा गामा करके या एबीसीडी करके कुछ भी मान लेते हैं तो एबीसी आपके सेम है और डीई सेम नहीं है, तो हमें वो डीई फाइंड आउट करना है। सो हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे बिकॉज ये सेम वाला पोर्शन है, हम सिर्फ इसको फैक्टराइज करेंगे विच इज इजी टू सॉल्व। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं। 2 2 1 2 हो जाता है, 2 में अगर आप 1 करो तो 3 आ जाता है आंसर। तो यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर्स क्या हो गए, -2x - x+2। सो कीप दिस एज इट इज, 2x² - 1 और ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो x-2 मिला, -1 कॉमन ले लो, x-2 मिला आपको। ठीक है, अगेन कीप इट एज इट इज, यहाँ पे आपको 2 मिल गए, क्या एक आपको x-2 मिला, दूसरा आपको x-1 मिला। अब हम इनको क्या करेंगे, सबको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो इसको 0 के बराबर इक्वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके निकाल भी नहीं रहे हैं जीरो, हम सिर्फ इन दोनों जीरोस को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर और हमें x की 2 वैल्यूज कौन सी मिलेंगी, 2 और 1। ठीक है, सो ये वो 2 जीरोस हैं जो दोनों पॉलिनोमियल में क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, सो यही आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, दैट 1 और 2 आर द जीरोज ऑफ क्यू एक्स विच आर नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो भी सिर्फ 6 क्वेश्चन थे आई थिंक आपके, सो इन 6 क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा जरूर लगाना बिकॉज उसके जो डिविजन पोर्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने समझा तो ये आपसे दोबारा लग सकता है कि नहीं। आई एम प्रिटी श्योर कि हो सकता है अभी लग जाए, आप 2 दिन बाद ट्राई करो तो फिर आपसे कोई साइन मिस्टेक हो जाए और फिर वो ना निकले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, स्पेशली जब हम यहाँ पे कोई वेरिएबल आ जाता है और कैलकुलेशन करते हैं, उस टाइम पे आपको यहीं पे कैलकुलेशन नहीं करना है, आप रफ में या किसी और नोटबुक में जरूर उसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखना बिकॉज यहाँ पे तो आपको सिर्फ सिंगल स्टेप ही लिखना है, यहाँ पे हम मल्टीपल स्टेप्स नहीं लिख सकते। ओके, सो मेन आपका ये डिवीजन का पोर्शन है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है।
सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम सेम पैटर्न पे चलेंगे. फर्स्ट हम एमसीक्यू एंड देन वी विल मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स एंड देन लॉन्ग आंसर्स. ओके सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. ओके बाय बाय.